Hello everyone. In previous video, we had studied the flackiness index test. In this video, we are going to study the elongation index test. So, the elongation index of an aggregate it is the percentage by weight of particles which are which has greatest dimension of which or its length it is greater than 1 and 4 fifths or 1.8 times their mean dimension the elongation test it is not applicable for aggregate having size smaller than 6.3 mm the standard length gauge is used to determine the elongation index test in next slide the figure of length gauge is shown in similar way as that of थिकनेस गेज जैसे थिकनेस गेज में आपको मार्किंग्स करके दिए थे इन सिमिलर वे आपको यहाँ पे भी मार्किंग रहेंगे फ्रॉम विच गेज शुड यू पास द एग्रीगेट आपने कौन से गेज में से एग्रीगेट पास करना है ये डिपेंड करेगा ऑन द साइज़ ऑफ एग्रीगेट वो एग्रीगेट कौन से सी में से आ, पास हुआ है एंड कौन से स्वीप पे आके रिटर्न हुआ है डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू पास दैट एग्रीगेट फ्रॉम द पर्टिकुलर गेज ओके सो दिस एग्रीगेट आर दो इलांगेटेड एग्रीगेट तेह विच डू नॉट पास थ्रू द डेजिग्नेटेड स्लॉट्स ऑफ द लेंथ गेज जो स्लॉट्स अभी हमने देखे थे वो स्लॉट्स में से जो एग्रीगेट नहीं पास होंगे दे विल बी द इलांगेटेड एग्रीगेट द एग्रीगेट विच डू नॉट पास थ्रू द डेजिग्नेटेड स्लॉट्स ऑफ द लेंथ गेज विच आर 1.8 पॉइंट एट टाइम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट दिस इलांगेटेड पीसेस ऑफ एग्रीगेट आर सेपरेटेड ये जो भी इलांगेटेड एग्रीगेट से वो सेपरेट किए जाएंगे बाई पासिंग थ्रू द लेंथ गेज इफ इट इज नॉट पासिंग देन इट इज सेपरेटेड देन द सैंपल ऑफ एग्रीगेट टू बी टेस्टेड इज सीव्ड थ्रू अ सेट ऑफ सीव एंड सेपरेटेड इन टू स्पेसिफाइड साइज रेंज वेन वी स्टार्ट टेस्ट, जब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे देन वी विल टेक द सैम्पल ऑफ एग्रीगेट then all the sample of aggregate is sieved through a sieve set. Sieve set में sieve करने के बाद सारे जो aggregate से they will set according to their size. तंचा size नुसार देगा एक अर्थिल separate होतील. Then अब हमें क्या करना है जो aggregate जो sieve में से pass हुए है and जो sieve पे वो retain हुए है, we have to pass that aggregate लेंथ वाइज थ्रू द लेंथ गेज थिकनेस गेज में हम एग्रीगेट थिकनेस वाइज पास करते थे लेंथ गेज में या फिर इलागेशन इंडेक्स में हमें क्या करना है जो एग्रीगेट हम लेंथ गेज से पास करेंगे वी हैव टू पास दैट एग्रीगेट लेंथ वाइज ओके द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ़ एग्रीगेट पार्टिकल फ्रॉम ईच ऑफ द साइज रेंज इज दैन इंडिविजुअली पास थ्रू द अप्रोप्रिएट गेज ऑफ द लेंथ गेज द गेज लेंथ वुड बी वन पॉइंट एट टाइम्स द मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट हर एक जो सी में रिटर्न हुए वाले एग्रीगेट है सारे एग्रीगेट हम लेंथ गेज के गेज से पास करेंगे लेंथ वाइज the portion of elongated aggregate having length greater than the specified gauge from each size range is weighted jo aggregate pass honge, that aggregate will be weighted the total weight of elongated stones is expressed as a percentage of the total weight of the sample taken to obtain the elongation index okay as we will get the um, aggregate which are not पास थ्रू द विच आर विच आर नॉट पास थ्रू द लेंथ गेज उसका वेट लेंगे हम एंड उसके बाद हमें टोटल सैंपल का वेट रहेगा बाय यूजिंग दैट वैल्यूज वी कैन फाइंड द इलोंगेशन इंडेक्स द इलोंगेटेड एंड फ्लैकी एग्रीगेट आर लेस वर्केबल दे आल्सो लाइकली टू ब्रेक अंडर स्मॉलर लोड्स देन द एग्रीगेट विच आर स्पेरिकल और क्यूबिकल जैसे हमने देखा अगर एग्रीगेट बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड है या फिर फ्लैकी है सो दैट एग्रीगेट दे आर लेस वर्केबल देन द स्पेरिकल एंड क्यूबिकल एग्रीगेट्स और ये जो फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स है दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो ब्रेक अंडर द स्मॉल लोड्स देन द स्पेरिकल एंड क्यूबिकल एग्रीगेट्स ओके सो It is better option to not to use very elongated and flaky aggregate for the construction of the road. <clears throat> Next point the flakiness and elongation index values in excess of 15% are generally considered undesirable. If the values of flaky and elongated aggregate it is more than 15% then they are undesirable for use. ओके सो दिस वाज़ द इलोंगेशन टेस्ट जस्ट आपने फ्लैकनेस इंडेक्स में जो एग्रीगेट पास हुए थे उसका वेट लिया था एंड फ्रॉम दैट यू हैव फाइंड परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट पासिंग एंड यू हैड गॉट द फ्लैकनेस इंडेक्स टेस्ट इन दिस इलॉन्गेशन टेस्ट जो एग्रीगेट गेज में से पास नहीं होंगे उसका हमने वेट लिया था और उसका परसेंटेज फाइंड आउट किया And we got the elongation index test. So both the tests are similar. Just little bit difference is there. Okay, hope uh, you had understood the elongation test, elongation index test. If there are any problem, then you can contact on the given contact number. Thank you. Thank you very much.